नमस्कार, स्वागत है आप सभी का धीर टीवी के डेली एमसीक्यू प्रोग्राम में। मेरा नाम है निधि। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज के एमसीक्यूज का और लेते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस हिमालयी पौधे को IUCN की रेड लिस्ट में शामिल नहीं किया गया है। आपके ऑप्शन है ए मीजोट्रोपिस पेलेट, बी फ्रिटिलारिया सिरोसा, सी डेक्टाइलोराइजा हटागिरिया या फिर डी सेड्रस डेओडारा। सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी कि सेड्रस डेओडारा। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। हाल ही में हिमालय क्षेत्र के 3 औषधीय प्रजातीय पौधों को मूल्यांकन के बाद संकटग्रस्त प्रजातियों की IUCN रेड लिस्ट में शामिल किया गया है। माइजोट्रोपिस पैलेट, फ्रिटिलारिया सिरोसा और डेक्टाइलोराइजा हटागिरिया, इन 3 पौधों का जीवन संकटग्रस्त की श्रेणी में आ गया है। ये तीनों पौधे ही औषधीय गुणों से भरपूर हैं, जो इन जातियों के अवैध व्यापार, वनाग्नि, वनोन्मूलन के कारण विलुप्त होते जा रहे हैं। IUCN यानी कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो संकटग्रस्त और विलुप्त होते पौधों और जंतुओं की जातियों को संरक्षित करने का कार्य करता है। ये संगठन रेड डाटा बुक जारी करता है जिसमें सभी संकटग्रस्त और विलुप्त प्राय प्रजातियों को शामिल किया जाता है। बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है, मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो अभी सुर्खियों में है किस राज्य में है। आपके ऑप्शंस हैं ए गोवा, बी हिमाचल प्रदेश, सी राजस्थान या फिर डी महाराष्ट्र। सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी कि गोवा। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। हाल ही में गोवा में मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया। इस एयरपोर्ट का नाम एयरपोर्ट गोवा के भूतपूर्व मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर के नाम पर रखा गया है। ये एयरपोर्ट गोवा की राजधानी पणजी से लगभग 35 किलोमीटर दूर है। गोवा भारत का एक प्रमुख टूरिज्म डेस्टिनेशन है। ये एयरपोर्ट सालाना 44 लाख लोगों को समायोजित करने की क्षमता रखता है। रुक करते हैं अपने तीसरे प्रश्न का। तीसरा प्रश्न है, विंडफॉल टैक्स के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं? पहला, विंडफॉल टैक्स ऐसी कंपनियों या इंडस्ट्री पर लगाया जाता है जिन्हें किसी खास तरह की परिस्थितियों में तत्काल काफी लाभ होता है। दूसरा, हाल ही में विरोध के चलते सरकार ने इसे समाप्त कर दिया है। आपके ऑप्शंस हैं ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों या फिर डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी कि केवल एक। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। केंद्र सरकार ने 1 दिसंबर से घरेलू स्तर पर उत्पादित कच्चे तेल और डीजल के एक्सपोर्ट पर से विंडफॉल टैक्स को घटाने का ऐलान किया है। ये फायदा सिर्फ देश में निकाले गए तेल और डीजल के लिए है। एक्सपर्ट का मानना है कि सरकार के इस कदम से पेट्रोल डीजल के रेट घटने की उम्मीद बढ़ गई है। बता दें कि विंडफॉल टैक्स ऐसी कंपनियों या इंडस्ट्री पर लगाया जाता है जिन्हें किसी खास तरह की परिस्थितियों में तत्काल काफी लाभ होता है। उदाहरण के तौर पर भारत की तेल कंपनियां। दरअसल यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में काफी उछाल आ गया था। इससे तेल कंपनियों को काफी फायदा मिला था, इसलिए उन पर विंडफॉल टैक्स लगाया गया था। भारत ही नहीं, इटली और यूके ने भी अपने एनर्जी कंपनियों पर इस तरह का टैक्स लगाया है। भारत सरकार ने अभी इसे समाप्त नहीं किया है, बस कम किया गया है। बढ़ते हैं अपने चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न है, भारतीय स्वाधीनता संग्राम से संबंधित अलीपुर बम कांड में निम्नलिखित में से किसके ऊपर मुकदमा चलाया गया था। आपके ऑप्शंस हैं ए बाल गंगाधर तिलक, बी भगत सिंह, सी अरबिंदो घोष या फिर डी यूसुफ मेहर अली। सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि अरबिंदो घोष। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री अरबिंदो की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित एक कार्यक्रम को आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित किया। ये कार्यक्रम आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत पुदुचेरी में कम्बन कलाई संगम में आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान श्री अरबिंदो के सम्मान में एक स्मारक सिक्का और डाक टिकट भी जारी किया गया है। बता दें कि अरबिंदो घोष एक योगी, दृष्टा, दार्शनिक कवि और भारतीय राष्ट्रवादी थे। इन्होंने आध्यात्मिक विकास के माध्यम से पृथ्वी पर दिव्य जीवन के दर्शन को प्रतिपादित किया। वर्ष 1902 से 1910 तक उन्होंने भारत को अंग्रेजों से मुक्त कराने के लिए आजादी की लड़ाई में भाग लिया। उनकी राजनीतिक गतिविधियों के कारण उन्हें अलीपुर बम कांड मामले में साल 1908 में कैद कर लिया गया था।
दो साल बाद वो ब्रिटिश भारत से भाग गए और पौंडीचेरी के फ्रांसीसी उपनिवेश में शरण ली। पौंडीचेरी में उन्होंने आध्यात्मिक साधकों के एक समुदाय की स्थापना की, जो आगे चलकर साल 1926 में श्री अरबिंदो आश्रम बना। बढ़ते हैं अपने पांचवे और आखिरी प्रश्न की ओर। पांचवा प्रश्न है, ऊर्जा संरक्षण विधेयक 2022 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है? पहला, इस विधेयक के माध्यम से ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2005 में संशोधन किया गया है। दूसरा, विधेयक के जरिए केंद्र सरकार को कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग प्रणाली निर्धारित करने की बात कही गई है। आपके ऑप्शंस हैं ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, या फिर डी ना तो एक ना ही दो। सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि केवल दो। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। संसद ने ऊर्जा संरक्षण विधेयक 2022 पारित कर दिया है। इस विधेयक के माध्यम से ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 में संशोधन किया गया है। इसका उद्देश्य ऊर्जा की क्षमता और इसके संरक्षण को बढ़ावा देना है। विधेयक के जरिए केंद्र सरकार को कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग प्रणाली निर्धारित करने का भी अधिकार दिया गया। इसमें यह भी व्यवस्था की गई है कि कुछ विशेष उपभोक्ता अपनी ऊर्जा आवश्यकता के कुछ भाग की पूर्ति गैर जीवाश्म स्रोतों से कर सकते हैं। भवनों के लिए ऊर्जा संरक्षण संहिता उन कार्यालयों और आवासीय मकानों पर लागू होगी जहां 100 किलोवाट या अधिक ऊर्जा का उपयोग होता है। गौरतलब है कि 2015 में जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के दौरान भारत ने 2030 तक गैर जीवाश्म ऊर्जा स्रोतों से 40% बिजली बनाने की उपलब्धि हासिल करने का लक्ष्य रखा था, लेकिन देश ने नवंबर 2021 में तय समय से 9 वर्ष पहले ही ये लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। तो ये था आज का डेली एमसीक्यू कार्यक्रम। कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि आपके 5 में से कितने प्रश्न सही हुए। अगर आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगा तो धेय आईएएस के चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको हमारे आने वाले सभी प्रोग्राम्स का नोटिफिकेशन मिलता रहे। हम फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। नमस्कार।